हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रखे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सिक्स क्लास में पर ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे? और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? यहाँ तक खाने के पैसा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपना पेट पालेंगे कि पढ़ेंगे? हम आज तो चिल्ला चिल्ला के बोले लेकिन डीसी सब पास से गुजर के गए, लेकिन यहाँ तक देखे भी नहीं, खिड़की शीशा गाड़ी का शीशा खोल के भी नहीं देखे। तो वो हमको बुलाएंगे यार, मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ, या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूं। मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया, मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ क्या? और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया, क्या पुलिस केस का जांच नहीं करेगी और सबको अंदर ले जाएगी? हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को जेल भेज दीजिए। यही अब हम लोग का मांग है कि ढीबरा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरने की चौथा दिन है, और जब तक ढीबरा चालू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ 4 महीने तक के भी रह सकते हैं। जब ढीबरा चालू होगा तब हमारा पढ़ाई चालू होगा। सिर्फ हम नहीं पढ़ने जा रहे, बाकी सब मजदूर के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ेंगे और हम लोग क्या अनपढ़ रहेंगे कि डीसी और एसपी के सिर्फ ऑफिसर बनेंगे पढ़ के? हम लोग इसी तरह